हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विद अविनाश। आज हम बनाने वाले हैं फिश फ्राई मालवानी स्टाइल में। इसमें हम मालवानी मसाला का उपयोग करेंगे दोस्तों। ये महाराष्ट्र में इजीली अवेलेबल मिल जाता है, बट बाकी स्टेट में हो सकता ना मिले, तो आप कोई भी लोकल मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक लोकल फिश है जिसको बांगड़ा बोलते हैं, ये समुद्री मछली, हमने वो लिया हुआ है। और इसके एक फिश के दो टुकड़े किए हुए हैं। ये मीडियम आकार की मछली थी दोस्तों, ज़्यादा बड़ी साइज़ में नहीं है। अब यहाँ पे हम नमक ले रहे हैं फिश को अच्छे से धोने के बाद। दोस्तों नमक लाने से वैसे ही फिश का जो दोस्तों मीट होता है काफ़ी टेंडर होता है, बट नमक डालने से काफ़ी ज़्यादा और जूसी हो जाता है। यहाँ पे हम जो है मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे दोस्तों। आप चाहिए तो मिर्च, हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। आप तीखा नहीं खाते, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, इससे फिश के जो मीट में और स्वाद आएगा। अब यहाँ पर हल्का सा हम पिंच पर हल्दी लेंगे दोस्तों, और मिर्ची पाउडर यहाँ हमने थोड़ा ली है, हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून हम धनिया पाउडर लेंगे। इसे आप डीप फ्राई करके ही बना सकते हैं दोस्तों, और आप सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मोस्टली हम सैलो फ्राई करेंगे। और ये मालवानी मसाला है, ये बेसिकली ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन मसाला है, जो कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा चलता है मुंबई में या दूसरे जो सिटीज़ हैं वहाँ पर, समुद्र के जो आसपास की जो सिटीज़ हैं। और ये देखिए, हम यहाँ पे लेमन जूस ले रहे हैं, इसके जगह आप कोकम भी डाल सकते हैं। कोकम आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक पे इजीली मिल जाएगा, बाकी स्टेट्स में थोड़ा मुश्किल है, तो आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे वही डाल रहे हैं, कोकम हमने बस दिखाया, बट हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोकम को आपको पानी डालना है, और उसको हम अच्छे से मैरिनेट करके दोस्तों आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए, आधा घंटा हो गया दोस्तों, और अब हमारी फिश रेडी है फ्राई करने के लिए। आप चाहिए तो इसमें, अगर आपको लग रहा है कि कॉप ज़्यादा फिश जूसी हो गई है या फिर पानी छोड़ रही है, तो इसको आप टिश्यू पेपर से इजली आप उसको रब करके भी कर सकते हैं, उसको जो एक्सेस वाटर है वो सोखने के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने राइस फ्लावर लिया है, और उसके साथ हमने यहाँ पे सूजी का यूज़ कर रहे हैं। तो चावल का आटा और सूजी, चावल के आटा से फिश जो है काफ़ी ज़्यादा कड़क बनता है, क्योंकि वो ज़्यादा बहुत कड़क बोलते ना, कड़क हो जाता है दोस्तों, इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम नॉर्मल मिर्ची पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे दोस्तों। आप ये देखिए, धनिया पाउडर, मिर्च, मतलब नॉर्मल आप मसाला यूज़ कर सकते हैं, और हल्का हल्दी डाल देंगे। और इसके बाद इसको हम नमक डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और इसका हम यूज़ करेंगे। अगर आपको चाहिए, आपको ये नहीं पसंद है, तो आप नॉर्मली बेसन का घोल बना सकते हैं पतला, और उसमें भी फ्राई करके उससे भी डीप फ्राई आप मछली कर सकते हैं। ये आप सैलो फ्राई करने के लिए अच्छा है। ये देखिए, यहाँ पर हमने डाला, और चारों तरफ से आटे को लगा लिया इसको, और हम नॉर्मल सैलो फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। ये देखिए, ऑयल हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा हीट हो चुका है। हम दोनों चाहिए इसको अच्छे से सैलो फ्राई कर लेंगे दोस्तों। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से बेसन जो अपने आटा है उसको अच्छे से डिप करिए, उसको प्रेस करके तब डीप फ्राई करिए। इससे फिश करारी बनेगी, और एक्स्ट्रा जो है वो निकलेगा नहीं आपका, जो हमने ऊपर से आटा यूज़ किया है चावल का, और जो आपकी वो है सूजी है, सूजी से इसके अंदर करारापन आता है। ये देखिए, एक साइड हो गया है, हम इसको चेंज कर रहे हैं दोस्तों। बहुत इसी है रेसिपी है, 15 से 20 मिनट लगता है इसको बनाने में फिश फ्राई। और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आएगा, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे इसी तरह आगे और वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए, हमारी मछली ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसको आप रोटी से खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मली भी आप इन्जॉय कर सकते हैं, दाल राइस से इन्जॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्टाइल फिश का आप फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी भांगड़ा पाउडर दी, और ये भांगड़ा जो मछली है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चीप रेट में मिलती, सस्ते में मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोकल्स इसको पसंद करते हैं। प्लस इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, आप कहीं भी इजीली आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आपका प्यार बनाए रखिए, और इसी तरह मेरे सारे वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय।